हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा और कुछ ऐसे स्टेटस गाइस अगर आप बनाना चाहते हो अपनी फ़ोटो लगाकर, तो गाइस इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा गाइस। इस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर। अगर आपके पास में काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइस, आपको टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर गाइस डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चले गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस, यहां पर काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूं। ओपन करने के बाद में आपको यहां प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है या क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करके 9.16 की रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइस, यहां पर आपको गैलरी में आना है और गैलरी से गाइस इस वाली गाइस टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करते हैं फिलहाल में, ठीक है गाइस। तो इस टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में गाइस, ऑडियो को ऑप्शन में आ जाना है। सॉन्ग के ऑप्शन में क्लिक करके यहां से गाइस हम सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेंगे जिस सॉन्ग से हम अपना स्टेटस गाइस बनाना चाहते हैं। तो गाइस, यहां पर क्लिक करता हूं और ये वाला सॉन्ग है, इसको सिलेक्ट करके प्लस के आइकन पर क्लिक कर दूंगा। ओके, अभी गाइस देखिए, यहां पर थोड़ा सा मैं पहले जूम कर लूंगा क्योंकि गाइस जूम करने के बाद में यहाँ से बीट हमारा स्टार्ट होगा, तो यहाँ तक आपको आ जाना है। बाकी इधर के जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आपको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद में गाइस आपको करना क्या है, फिर से यहाँ सेटिंग के ऑप्शन में आके एडिटिंग के ऑप्शन में आना है और यहाँ 3.5 कर सकते हो या 3 गाइस यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि 3 के आसपास कर देना और फिल स्किन क्लिक करके डन कर देना है। अभी गाइस आपको मीडिया के ऑप्शन में क्लिक करना है और मीडिया के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में आपको फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो से आप स्टेटस गाइस बनाना चाहते हो। तो यहाँ से गाइस मैं फोटो को क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, फिर से गाइस फोटो क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस जिस भी फोटो से आप स्टेटस बनाना चाहते हो उस फोटो को गाइस यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखें, मैंने फोटो को गाइस सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से गाइस कुछ फोटोज ऐसे भी आ चुके हैं जो मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो जैसे गाइस यहाँ पर देख सकते हो, फुल स्क्रीन नहीं हो रखा है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर हमने फोटो को अच्छे से यहाँ पर कर दिया। अभी आपको क्या करना है, जूम करना है। जूम करने के बाद गाइस आपको बीट के हिसाब से गाइस मैच करना है अपनी स्टेटस को। तो यहां पर क्लिक करना है, फिर से गाइस यहां पर देखिए आपको प्ले करना है, ठीक है। तो जैसे गाइस यहां पर प्ले करोगे उसके बाद में गाइस यहां पर आपको बीट आएगी, बीट के बाद में गाइस यहां पर बीट आएगी। तो यहां क्लिक करके इधर का ट्रिम करना है गाइस, ठीक है। देखिए जूम करना है गाइस, यहां पर आपको बीट दिख रही है, फिर सेकंड वाला बीट गाइस यहां पर, तो इधर से क्लिक करके इधर ट्रिम कर देना है। फिर गाइस यहां से क्लिक करना और इधर से गाइस इसको ट्रिम कर देना है। उसके बाद में गाइस यहां पर आपको आ जाना है, यहां पर फिर क्लिक करना है और इधर गाइस ट्रिम कर देना है। आप गाइस मार्क भी लगा सकते हो, जैसे गाइस यहां पर देखिए, फिर से इसको जूम करता हूं। जूम करने के बाद में गाइस यहां पर फिर हम आते हैं, आने के बाद में गाइस इसको क्लिक करके इधर का गाइस ट्रिम कर देना है, ठीक है। तो गाइस यहां पर आपको कुछ इसी तरह से करते जाना है गाइस, फोटो को फिक्स कर लेना है। तो चले गाइस, यहां से मैं बीट के साथ में गाइस सभी फोटो को क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद में गाइस अच्छे से मैच कर लेते हैं। उसके बाद में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इफेक्ट कैसे लगाना है। तो गाइस वीडियो को आप कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो गाइस जैसे इसे भी क्लिक करके इसे भी गाइस यहां पर ऐड कर देता हूं और यहां से गाइस इसको भी क्लिक करके इधर से हम ट्रिम करते हैं। तो इसे भी गाइस यहां से क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद इसे भी ट्रिम कर देते हैं। तो गाइस आपको फोटो को गाइस बीट के साथ में फिक्स कर लेना है। तो यहां से गाइस फाइनली हमारा हो चुका है। अब लास्ट में गाइस और भी कुछ फोटोज बच चुके हैं तो इसको भी गाइस मैं फटाफट कर लेता हूं। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैंने सभी फोटो को अच्छे से बीट के साथ में मैच कर दिया, जो भी अब एक्स्ट्रा फोटो क्लिक करके और यहाँ से गाइस मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो इधर के गाइस यहाँ से क्लिक करके ट्रिम कर देते हैं। ओके, फाइनली गाइस यहाँ पर हमने फोटो को अच्छे से फिक्स कर लिया। आपको भी कुछ ऐसे गाइस बीट के साथ में फिक्स कर लेना, देख सकते हो बीट के साथ में बिल्कुल मैच कर लेना। अभी गाइस थोड़ा सा जूम कर लेना है फोटो पर क्लिक करके, एडजस्टमेंट पर आकर कॉन्ट्रास्ट को गाइस बढ़ाना है। फोटो पर क्लिक करना है, एडजस्टमेंट में आकर कॉन्ट्रास्ट को गाइस बढ़ा देना। तो गाइस जितने भी फोटो आप सिलेक्ट करोगे क्लिक करना है और कॉन्ट्रास्ट
नेक्स्ट को गाइज बढ़ा देना है। तो गाइज यहाँ से लास्ट तक जो भी आपकी फोटो रहेगा आपको कुछ ऐसे क्लिक करके गाइज एडजस्टमेंट पे क्लिक करके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देना है। ओके, अभी उसके बाद में गाइज इसमें आपको क्लिप ग्राफिक को ऐड करना है। तो गाइज ये क्लिप ग्राफिक जो मैं यूज किया हूँ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइज यहाँ पर देखिए दो स्मॉल फोटो है यहाँ पे, या तीन जो भी आप लगाओगे। उसके बाद फिर से गाइज यहाँ पर थ्री या टू स्मॉल फोटो है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट फोटो, गाइज जहाँ जहाँ शॉर्ट शॉर्ट फोटो है वहाँ पर आपको कौन सा इफेक्ट लगाना है। जहाँ जहाँ लॉन्ग टेल ये वाला देख सकते हो फोटो है, इसमें आपको कौन सा इफेक्ट लगाना है। तो गाइज इसको क्लिक करते हैं, क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आना है और हम जो क्लिप ग्राफिक यूज करने वाले हैं इन एनिमेशन का, इसको क्लिक करके यहाँ से 33 नंबर है गाइज यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा पहले गाइज यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद स्मॉल गाइज यहाँ पर फोटो आते हैं तो उसमें आपको क्लिक करना है, फिर से क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आना है, फिर से इन एनिमेशन में आ जाना है और यहाँ से गाइज 5 नंबर सिलेक्ट करना है। फिर से सेकंड फोटो पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आकर इन एनिमेशन में आ जाना है। यहाँ से 6 नंबर सिलेक्ट कर लेना है, फिर से इसको क्लिक करके क्लिप ग्राफिक के ऑप्शन में आ जाना गाइज और यहाँ से फिर से इन एनिमेशन में आके फिर से 33 गाइज यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर से गाइज यहाँ पर क्लिक करना है, फिर से क्लिप ग्राफिक के ऑप्शन में आके इन एनिमेशन में आ जाना है और फिर से गाइज आपको यहाँ से 33 जो गाइज यहाँ पे इस वाले क्लिप ग्राफिक को सिलेक्ट कर लेना है। अभी गाइज फिर से यहाँ से शॉर्ट वाली है तो इसको क्लिक करके क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आके इन एनिमेशन में आ जाना है। अभी गाइज जैसे कि यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद में इसको क्लिक करना है, फिर से क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आना है, फिर से गाइज इन एनिमेशन में आ जाना है, फिर से आपको 33 गाइज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फिर से गाइज इस पर क्लिक करना है, फिर से क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आना है, फिर से इन एनिमेशन में आना है, फिर से गाइज यहाँ पे 33 जो गाइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर आपको कुछ इसी तरह से अपनी फोटो में गाइज इस इफेक्ट को गाइज लगाना है। जैसे कि अब यहाँ पे फिर से शॉर्ट फोटो आ गया, इसको क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक में जाएंगे, फिर से इन एनिमेशन में चले जाना है, सॉरी इन एनिमेशन में जाते गाइज और फिर से आपको 1, 2, 3 गाइज यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर से उसको क्लिक करना है और फिर से गाइज इन एनिमेशन में आपको आ जाना है। फिर से गाइज यहाँ पर कोई सा भी गाइज इफेक्ट आप यूज कर सकते हो। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो भी आपकी फोटो में जो इफेक्ट लगाना चाहते हो इन एनिमेशन की, वो अपने हिसाब से गाइज बीट के साथ में अब मैच करके लगा सकते हो। तो गाइज यहाँ पर मैं इसको भी क्लिक करके लगा देता हूँ और यहाँ पर गाइज इसको क्लिक करते हैं, इसके क्लिक करने के बाद फिर से इन एनिमेशन में ही आ जाएंगे और यहाँ से गाइज इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में गाइज इस पर फिर से क्लिक करके क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आना है, फिर से इन एनिमेशन में आके 33 गाइज यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज अब इस क्लिप ग्राफिक को कैसे आपको डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले गाइज आपके पास में लेटेस्ट काइनमास्टर होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से गाइस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये इन एनिमेशन इफेक्ट, गाइस आपको लेटेस्ट काइन मास्टर में मिलेगा तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना है। अभी गाइस क्या करना है, पहले गाइस यहां पर इसमें मैं क्लिक करके इफेक्ट को लगा देता हूं, उसके बाद में गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो गाइस मोबाइल के इंटरनेट को ऑन कर लेना है, जैसे गाइस मोबाइल का इंटरनेट ऑन करोगे तो इस पर फोटो पर क्लिक कर देना है, क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आ जाना है। हम जो गाइस यहां पर इफेक्ट यूज करें इसका नाम है गाइस इन एनिमेशन। अब इन एनिमेशन को डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको करना क्या है, देखिए गाइस यहाँ पर क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, गेट मोर के ऑप्शन में, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको इन एनिमेशन की इफेक्ट दिख जाएगी गाइस। ओके, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देख सकते हो थर्ड नंबर पर आपको यहाँ पर इन एनिमेशन पर क्लिक करके इसको गाइस डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर इंस्टॉल दिख जाएगा, मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल दिख रहा है। तो गाइस कुछ इसी तरह से आपको भी गाइस यहाँ पर अपने बीट के साथ में सभी इफेक्ट को गाइज मैच करके लगा लेना है। अभी गाइज फाइनली यहाँ से मैं जूम आउट करता हूँ, अब देखिए यहाँ से जैसे वीडियो को प्ले करूँगा तो उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से अभी इफेक्ट गाइज दिख रही है। ओके, अभी गाइज आपको करना क्या है, फिर से वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से फिर से गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद में गाइज पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जो गाइज यहाँ से हमारा फोटो प्ले होगा वहाँ पर ये वाला टैम्पलेट को हम ऐड कर देंगे और यहाँ फुल स्क्रीन कर देना है, इसकी म्यूजिक को गाइज यहाँ से म्यूट कर देना है, फिर आपको इसी टैंपलेट पर क्लिक करके ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आके स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर देना है। देन आपको इसी पे क्लिक कर देना गाइज और एडजस्टमेंट के ऑप्शन में आके कॉन्ट्रास्ट को गाइज इंक्रीज कर देना है। तो काफी कलरफुल गाइज ये पार्टिकल है, टैंपलेट है, जो बहुत अच्छा आपके स्टेटस को लुक को देगा, यानी लुक अच्छा देखेगा। अभी गाइज फिर से लेयर के ऑप्शन में आके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है। देन गाइज फिर से यहां से गैलरी में आना है और गैलरी से गाइज यहां से फिर से इस वाले कलरफुल टैंपलेट को गाइज यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज ये वाला
जो कलरफुल टेम्पलेट है इसको भी गाइज यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ऐसे रोटेट कर देना है, रोटेट करने के बाद में आपको यहाँ पे जूम कर लेना है। ओके गाइज, जूम करने के बाद इसकी भी म्यूजिक यहाँ से म्यूट कर देना है। इसी टेम्पलेट पर गाइज क्लिक करके ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आके स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद इसी टेम्पलेट पर गाइज क्लिक करके आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट के ऑप्शन में आकर कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देना है। जैसे गाइज वीडियो को प्ले करोगे तो जो गाइज आपके सॉन्ग के साथ में बीट जो है गाइज और भी अच्छी आपके स्टेटस दिखने में लग जाएगा। ओके, अभी गाइज आपको करना है क्या, फिर से लेयर के ऑप्शन में आके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है। देन गाइज फिर से आपको यहाँ से गैलरी में आना है और गैलरी से गाइज इस वाले बॉर्डर पेन जो सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन करके इसकी ड्यूरेशन को आपको पूरी लास्ट तक कर देना है। बाकी का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर आकर ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके सभी एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना है। फाइनली गाइज स्टेटस बन चुका है। यहाँ पर इसकी म्यूजिक को मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि गाइज मेरी वॉइस आपको सुनाई दे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइज मैं अपने चैनल पे ऐसे रोज गाइज वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो अगर आप ये स्टेटस वीडियो बनाना पसंद करते हो या एडिटिंग करना आपको अच्छा लगता है तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोज आपको लेटेस्ट गाइज स्टेटस मिलता ही रहेगा। अभी गाइज आपको करना क्या, इस वीडियो को गाइज डाउनलोड कर लेना है। उससे पहले गाइज आपको बताऊंगा, अगर आप मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी मटेरियल का, टैंपलेट सॉन्ग जो भी गाइज यूज किया हूं सबका, तो जाकर डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइज मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, सब वीडियो के लिंक भी यानी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा कि मेरे जो भी मटेरियल या टेम्पलेट होता है उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइज मटेरियल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है आप उस वीडियो को जाकर देख लेना है। अभी गाइज इस पर क्लिक करके इस वीडियो को गाइज फुल HD में एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।